बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, मान के बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन या फताह। ए अल्लाह, इस काम को हमारे लिए आसान कर दे, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, ए दिलों को खोलने वाले। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं लाम और काफ। अच्छा, लाम और काफ में जो है अब सिमिलरिटी आप देख लें कि क्या होगी, ठीक है, और डिफरेंस क्या होगी। स्टार्टिंग दोनों की जो है अलिफ की तरह होगी। अब डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस जो है आपके पास वो ये है कि नीचे वाला एरिया जो है कासा की तरह होगा। कासा क्या होता है, जो सीन के आपके पास ये गुलाई वाला एरिया होता है वो आपने लाम के साथ अलिफ के साथ अटैच कर ले रहे हैं। काफ का क्या है, काफ का आपने बा की तरह जो है अलिफ के बाद बा अटैच कर ले रहे हैं, तो आपके पास काफ बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपने करना क्या है कि छह नुकात जो है मैंने लगा लिए आपको दिखाने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को लिखेंगे कैसे। छह नुकात अलिफ के लिए, इस लाइन से नीचे फिर कासा अटैच होगा, इस लाइन से नीचे फिर बा अटैच होगा। तो अलिफ बना लीजिए, जैसे अलिफ जो है आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। 60 आपने लिया 60 डिग्री एंगल से, अच्छा। अलिफ में ना एक चीज़ है, अब वो क्या है कि आपने जो है अलिफ को थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ खींचना है। यू हमने करना क्या था अलिफ में कि 1.5 नुक्ता जब बच जाता था हम लोग इसे जो है यहाँ से यूं करके यहाँ पे लेके आते थे। अब वो सीन आपने नहीं करना, आपने यहाँ तक इसको लेके आना है, ठीक है। सेम आपने काफ में भी जो है यही करना है। तो एंड जो है अलिफ का वो आपने जो है क्या करना है कि उसको जो है आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, एंड को। अच्छा, ये कर लेने के बाद जो है अब यहाँ पे कासा अटैच करेंगे। कासा आपको पता है कि दो नुकात जो है नीचे लगा लेते हैं मजीद दो, यहाँ पे एक नीचे लाइन और यहाँ पे मजीद आपने एक नुक्ता लगाना है। यू आपका जो ये लाम है ये इसके साथ यूं होते हुए गुजरेगा और देन आपने इसको यूं ऊपर की तरफ लेके आना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है लाम और काफ में। अब ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आपने तीन नुकात यूं लगा लेने हैं। और यहां पे जैकेट उधर पड़ी हुई है, यहां पे फिर आपने क्या करना है, कासा की तरह यूं नीचे की तरफ आना है। ग्रेजुअली आपने यूं टच किया लाइन को, इसके हाफ तक आपने लेके, देन हाफ से आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना है। और थोड़ा सा इनवर्ड्स इसको आपने मूव करना है। ये वाली नोक जो है ये तकरीबन आपने एक नुक्ता यहाँ पे लगाना है और यहाँ तक आपने इसको लेके आना है, ठीक है। अब सेम जो है आपने काफ के साथ भी करना है। काफ के लिए आपको पता है कि अलिफ आपने बना लिया, नीचे क्या अटैच होगा, बा अटैच होगा। अब ये नोक थोड़ी सी देखिए, अगर ये मैंने बहुत ज़्यादा नोकीली बनाई होती, यहाँ से बारीक होती तो मैं इनर कनेक्शन करती, क्योंकि ये यहाँ से पहले से चौड़ाई है इसमें, तो मैं आउटर कनेक्शन ले रही हूँ, ठीक है, आउटर कनेक्शन। अब आपने बा की तरह जो है चार नुकात लगा लेने हैं यहां से, जैसे हम लोग वहां पे तीन नुकात लगाए थे यहां पे आपने चार नुकात लगा लेने हैं। और बा की तरह जो है आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है एंड देन नीचे की तरफ। अच्छा, मैंने बहुत नीचे लगा लिए नुकात, ठीक है, तो अब ये थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए, बट चले आपने इसको ऊपर की तरफ लगाना है, ठीक है। यहां से आपने यूं ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहां से फिर आप नीचे की तरफ, और यूं आपकी एंडिंग होगी। आपने थोड़े नुकात ऊपर लगाने, ठीक है, तो ये आपके पास जो है काफ है।
अब काफ की एंडिंग की दो टाइप्स हैं। अब वो क्या दो टाइप्स आपके पास, पहले मैं आपको यहां पे देखिए आधा नुक्ता, यहां पे अगर आप स्ट्रेट जाए तो यहां पे भी आधा नुक्ता होगा, यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपके पास स्पेस है, यहां पे भी थोड़ा सा आपके पास स्पेस है। अच्छा, काफ की जो है दो तरह की एंडिंग है। अब दो तरह की एंडिंग कैसे है कि मैं आपको पेंसिल से बताती हूँ एक एंडिंग, ठीक है। यहां से जो है आपने अपने कलम को लेके गए, अब ये एंडिंग नहीं है, ठीक है, ये एक काफ की एंडिंग है, ये फर्स्ट वाली काफ की मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं सेकंड को आपको पेंसिल से समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपने एंडिंग कर ली काफ की, अब करना क्या है कि यहां से ही आपने इसका वो इशारा बना लेना है, ठीक है। सेम आपने सिंपल जो इशारा उसका बनता है कि ऊपर से आपने यूं नीचे की तरफ और देन अगेन यू, तो ये इशारा आपके पास बन गया है काफ का, तो काफ आपके पास यू लिखा जाता है। अच्छा, एक और काफ जो है वो कैसे लिखा जाता है कि आपने यहां से ही जो है इसको लेके जाना है, लेके जाते हुए आपने जो है इसको यूं टच कर लेना है, यहां से आपका ये चौड़ा ही होगा, इसको चौड़ा ही आपने रखना है, चौड़ा रखते हुए आपने यू एंडिंग फिर बारीक करनी है और यहां पे आके आपने बस इसको स्टॉप करना है। तो दो तरह की काफ है, एक आपको मैंने कलम के जरिए बताया इसका यहां पे आपने इशारा लगाना है, और एक और काफ जो है आपने क्या करना है कि ये इशारा नहीं लगेगा, यहां से ही आपने चौड़ा होगा आपका चौड़ा, आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको बारीक करना है और यहां पे जाके बारीक, तो ये आपने सेपरेट करके खुद लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं, काम नहीं इसमें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।